नमस्कार, मैं अनिल कुमार एक कदम स्वच्छता की ओर विषय पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। साथियों, अपने लिए तो सभी लोग सपने देखते हैं, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो समाज के लिए सपना देखते हैं। ऐसे ही लोगों में एक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू ने सपना देखा था एक स्वच्छ भारत की। यही वजह है कि जब भी स्वच्छता की बात आती है, हमारे जहन में सबसे पहले गांधी जी की छवि उभर कर सामने आती है। और यदि हम बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें भी स्वच्छता की ओर बढ़ाना होगा एक कदम। इसी संबंध में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना होगा, तभी हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपने घर और आसपास की सफाई करें और कूड़ा कचरा को सड़क या यत्र तत्र फेंक दें, बल्कि कूड़ा कचरा को फेंकने के लिए सदैव कूड़ेदान या नियत स्थान का ही प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छता संबंधित विषय पर स्कूलों और कॉलेजों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए। अपने बच्चों को स्वच्छता के महत्व एवं लाभ को शुरू से ही बताना चाहिए, ताकि बच्चों में स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों का विकास हो। स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ के साथ मिलकर हमें एक वॉलेंटियर के रूप में भी सेवा देना चाहिए। स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे संस्थाओं और लोगों को समय समय पर सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाना चाहिए। आज भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी खुले में शौच की समस्या बनी हुई है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। अतः हमें शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम एक स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं। जब आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा, तो बीमारियां नहीं होगी और लोग स्वस्थ होंगे, जिससे लोगों के अंदर एक सकारात्मक भावना का विकास होगा। लोग खुशहाल होंगे, देश में खुशहाली आएगी। साथियों, अंत में आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि स्वच्छता है एक बड़ा अभियान। आप भी अपना दे योगदान। धन्यवाद।